हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द प्रोफेशन फॉर वुमेन। ये जो प्रोफेशन फॉर वुमेन ऐसे है, ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ओके, इसका उद्देश्य ये है, उस ललक की संतुष्टि थी जो उस इच्छा की व्याख्या करके वो प्राप्त करना चाहती थी। एक लेख के द्वारा वह चाहती थी कि पुरुष और खासकर महिलाएं उसकी बात को समझें। वह एक महत्वपूर्ण संदेश दूसरों तक पहुंचाना चाहती थी। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, लेखन हा हानिकारक एवं सम्मानीय व्यवसाय था। परिवार की शांति कलम की आवाज से भंग नहीं होती थी और परिवार के अंदर कोई आर्थिक बोझा भी नहीं पड़ता था। ओके, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इन द प्रेजेंट एसे वुल्फ डिस्क्राइब्स हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू ओवरकम द एज ओल्ड प्रिजुडाइसेस देयर दैट प्रिवेल इन सोसाइटी एंड ऑल्सो विद इन वुमेन देमसेल्व्स। अर्निंग मनी थ्रू द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग इज वॉट वुल्फ हैज चूज फॉर हरसेल्फ। For that, in order to attain success in the profession, she has to go beyond the limit imposed upon women. She cannot remain nice and modest. She has to be bold, forthright, and open in her depictions and criticism. Next, Women Service League. Virginia Woolf is addressing the Women Service League members. She tells them that in a man's world, they have all born places with great difficulty and efforts. They should discuss among themselves the problems they faced, share the knowledge and experience they have gained, and solve the difficulties ahead of them. Yani, jo दूसरे शब्दों, कुछ महिलाएं अन्य व्यवसायों के साथ लेखन के व्यवसाय में सफल हुई थीं, क्योंकि व्यवसाय बहुत सस्ता है। लेखन का करैक्टर इस बात को समझता है कि उससे पूर्व स्वयं को एक व्यवसायी महिला के रूप में ये स्वीकार है। उससे अपने अंदर छिपे दानव का सामना करना पड़ता है। वह विश्वास करती है कि आवश्यक है कि एंजल इन द हाउस घर में रह रहे देवदूत को नष्ट करे, जो कि एक आदर्श है। वह महिला लेखिका का अवचेतन है, ऐसा अवचेतन जिसका पोषण पीढ़ियों से उत्पीड़न करने वाले विक्टोरियन समाज ने किया है। महिला पुरुष की सृष्टि है। वह आकर्षक, शांत, स्वार्थी एवं शुद्ध घरेलू महिला है। दूसरे शब्दों में, महिला का कोई मस्तिष्क नहीं होता, ना ही वह कोई मस्तिष्क रखना चाहती है। इससे भी कम, वह अपना कोई कमरा भी नहीं चाहती। यानी कि एक लेडीज हर कहीं जगह एडजस्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग एक्सपीरियंस। एज अ वुमेन राइटर, शी फील्स द नीड टू शेयर विद देम द प्रॉब्लम शी फेस्ड। शी बिगेन टू राइट वर्जीनिया वुल्फ सेज ह्यूमरसली दैट इट वॉज इजी फॉर अ वुमेन टू बिकम अ राइटर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन दिस प्रोफेशन एज राइटिंग पेपर इज चीप। The cheapness of writing paper is, of course, the reason why women have succeeded as writer before they have succeeded in other professions. यानी महिला लेखिका के लिए किसी पुरुष द्वारा लिखे गए उपन्यास के बारे में लिखने का केवल एक ही रास्ता था कि वह एंजल इन द हाउस की हत्या कर दे, ताकि वह अवचेतन में रह रही उस महिला आकृति से छुटकारा पा ले जो किसी बात पर नहीं झगड़ी तथा प्रत्येक बात को सहन कर लेती है। मैंने उस उपन्यास का रिव्यू देखने के लिए कलम हाथ में लिया जो एक प्रसिद्ध पुरुष लेखक ने लिखा था। ये सारी बातें क्या है, आपकी वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं। मेरे अवचेतन में छिपी महिला मेरे पीछे खड़ी हो गई और धीरे से कहा, मेरी प्रिय, तुम एक जवान महिला हो, तुम एक पुस्तक के विषय में लिख रही हो जो एक पुरुष ने लिखी है, उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक रहो, कोमल रहो, चापलूसी करो, धोखा दो और महिला सभी कलाओं तथा चालों का प्रयोग करो। किसी को ये अनुमान मत होने दो कि तुम्हारा अपना भी मस्तिष्क है, और इस सबसे परे शुद्ध रहो। उच्च चरित्र का एकमात्र तरीका मस्तिष्क विहीन विक्टोरियन आचरण को पराजित करना था। घर के देवदूत की हत्या महिला लेखिका के व्यवसाय का अंग था। महिला की भांति अवचेतन का चरित्र यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि महिला के लिए जीवन में सफल होने के लिए एकमात्र मार्ग आकर्षित करना या मोहित करना या संतुष्ट करना या झूठ का सहारा लेना उस सब सामाजिक ढांचे में जो पुरुष प्रधान के अतिरिक्त था, वह कुछ और नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंजल इन द हाउस।
When she began her career as a writer, she had to first conventional notion about a woman as the angel in the house. A woman should sacrifice himself, must be pure and must not have a mind of her own. The Victorian concept of woman was most dear to men. The first thing that Woolf wrote was a review of a novel written by a famous man. The moment she put her pen on the paper, she had to fight against this conventional concept. Next, a warning. When she began to write a review of man's novel, The Angel in the House whispered, "My dear, you are a young woman. You are writing about a book that has been written by men. We sympathetic, he tender, flatter, deceive, use all the arts and wiles of our sex. Never let anybody guess that you have a mind of your own." But she was unwilling to hear those words and killed the angel in the house when she began to write. नेक्स्ट है सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, यानी समाज की क्या अपेक्षाएं. सोसाइटी एक्सपेक्ट्स वुमेन टू चार्म. व्हाइल राइटिंग अबाउट दिस वुल्फ सेज, दे मस्ट चार्म, दे मस्ट टू पुट इट ब्लंटली टेल लाइज इफ दे आर टू सक्सीड. अ वुमेन राइटर यूजिंग द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन इज लाइक अ फिशरमैन सिटिंग विद हिज फिशिंग रॉड, सेज वुल्फ. The imagination wanders everywhere and touches upon everything. When the imagination talks about one's body and its passions, a woman writer faces a big obstacle. It is considered unwomanly for a woman to describe the truth about her body and its experience. यानी समाज महिलाओं से आकर्षक होने की अपेक्षा करता है. इस विषय पर लिखते हुए वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि महिलाओं को आकर्षक होना चाहिए. स्पष्ट कहूँ तो उनको झूठ बोलना चाहिए यदि वे सफल होना चाहती हैं. वुल्फ कहती है कि कोई भी महिला लेखक कल्पना को अपनी योग्यता के साथ उस मछली पकड़ने वाले की भांति है जो अपनी मछली पकड़ने की राह डाले बैठा हो. कल्पना हर स्थान पर कमाल करती है और प्रत्येक वस्तु को छूती है. जब कल्पना किसी का शरीर और उसकी तीव्र मनोभावों की बात करती है तो महिला लेखक को बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है. महिला के लिए ये बात महिला के अहित में समझी जाती है. वह अपने शरीर और अनुभव को सत्य सत्य वर्णन करें. ओके, नेक्स्ट है सक्सेस एंड फेलियर. व्हाइल डिस्क्राइबिंग हर जेन्यून एक्सपीरियंस इन हर फील्ड, शी सेज, दे वर टू ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ. द फर्स्ट क्लिंग The angel in the house, I think I solved, she died. But the second, telling the truth about my own experience as a body, I don't think I solved. I doubt that any woman has solved it yet. As for fighting this obstacle, Wood says, it is not over yet. अपने क्षेत्र में अपने यथार्थ अनुभवों का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के दो साहसिक कार्य हैं. प्रथम था घर में मौजूद देवदूत की हत्या, वह एंजल मर गई. दूसरा कार्य था एक प्राण या शरीर के रूप में अपने अनुभवों के विषय सत्य बात करना. मैं नहीं समझती कि मैंने इसका समाधान कर दिया है. मुझे शक है कि किसी महिला ने इससे अब तक इसका समाधान किया हो. जहाँ तक इस बाधा से लड़ने की बात है, ये लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हुई है. लास्ट है कंक्लूजन. If there exist such difficulties in literature which is free profession, she can imagine what kind of obstacles women choosing as a lawyer or doctor's profession should have to put up with. She advised the women in various professions to conciliate it and fight the obstacles and overcome the prejudices. यदि साहित्य में, जो कि एक मुक्त व्यवसाय, इतनी कठिनाइयां, तो ये कल्पना कर सकते हैं कि उन महिलाओं को कितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा जो वकालत या डॉक्टरों का व्यवसाय चुनती हैं. वुल्फ विभिन्न व्यवसायों को अपनाने वाली महिलाओं को सलाह देती है कि वे संगठित होकर बाधाओं से लड़ें और पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करें. In other words, some women succeeded as writer among other profession due to relative champions, cheapness associated with her work. In the professions for women, the character realized that before she can accept herself as a professional woman, however, she must first confront her demons. She believes in the necessity of destroying what she calls
द एंजल इन द हाउस, एंजल इन द हाउस ही इज एन आइडियल, शी इज द वुमेन राइटर सबकॉन्शियस, अ सबकॉन्शियस ब्रॉट ऑन बाय जनरेशन ऑफ एन ऑपरेशिव विक्टोरियन सोसाइटी. द वुमेन इज द क्रिएशन ऑफ मैन, शी इज द चार्मिंग क्वाइट अनसेल्फिश एंड प्योर वुमेन ऑफ द हाउस. इन अदर वर्ड्स, शी डिड नॉट हैव और वांट टू हैव अ माइंड और विश ऑफ हर ऑन, मच लेस अ रूम ऑफ हर ऑन. The only way for the character to be able to write honestly about novels written by men was to kill the angel in the house. To get rid of this submissive image of a woman never disputes anything and goes along with everything, I took my pen in my hand to review that novel by a famous man. She slipped behind me and whispered, "My dear, you are a young woman. You are writing about a book that has been written by a man. Be sympathetic, be tender, flatter, deceive, use all of the arts and wiles of our sex. Never let anybody guess that you have a mind of your own. Above all, be pure. The character is only way out was the vanishing of this mindless, victorious conduct. Killing the angel in the house was the part of occupation of a woman writer. The character, much like the author, could not accept that the only way for a woman to succeed in life was to charm, conciliate and lie her way through the maze of male dominated social structure. The author concludes with cautions future generations of women writers must inevitably ask themselves. You have won rooms of your own in the house, hitherto exclusively owned by men. You are able, though not without great labor and effort, to pay the rent, but this freedom is only a beginning. The room is your own, but it is still where it has to be furnished, it has to be decorated, it has to be shared. Okay, thank you for watching.